हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 7 तारीख और सुबह से ही काम में लग गई हूँ। मैं अभी बनाने जा रही हूँ दही वड़े। तो दही वड़े के लिए जो बड़ा होता है, जो उड़द दाल का बनता है, उसको मैं यहाँ पे पीस लूँगी, जो कि मैंने रात भर सोख करके छोड़ दिया था। वाइट वाला जो उड़द होता है वो मैं यहाँ पे ग्राइंडर में अच्छे से इसको पीस लूँगी, फाइन पेस्ट इसका बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ। सुबह का टाइम है, झाड़ू पोछा हो चुका था और मैं अभी काम में लग गई हूँ, क्योंकि होली के समय में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार पीस के मैंने एक बार ब्लेंडर से भी इसको अच्छे से फेंट लिया था, ताकि ये अच्छा सा फ्लफी हो जाए। और उस पेस्ट में, ये देखिए बैटर तैयार है। इस पेस्ट में मैंने जीरा, नमक, हींग, अदरक घिस के डाल दिया था, और थोड़ा सा आप चाहो तो काली मिर्च को कूट के इसमें डाल सकते हो, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और बस अब इसमें जैसे पकौड़े बनाते हैं, बस वैसे ही वड़ों को इसमें फ्राई करना है। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छे से बनाती है, हाथ हथेली पे जैसे लेके और बिल्कुल एक साइज़ का गोल गोल सा चकड़ी टाइप का बनाती है। वो मेरे से नहीं बनता वैसे, तो ये पकौड़ा टाइप का ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से वैसे बनता नहीं है। और तो बस यहाँ पे पकौड़े बन जाएंगे, तो उसको मैं पानी में रख दूँगी ताकि वो अच्छे से सोख हो जाए। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पानी, तो उसमें मैं इसमें डालते जा रही हूँ। और उसके बाद पानी में 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर इसको दही वाले पानी में रख देंगे निकाल के। तो ऐसे ही मैंने सारे वड़ों को निकाल के रख लिया था। और आपके यहाँ क्या क्या बनता है होली में, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। होलिका दहन के दिन मैंने बस यही 1-2 चीज़ बनाई थी, और जो भी बनाया था फिर वो होली वाले दिन, यानी कि अगले दिन। और गले का बैंड अभी भी बजा ही हुआ है, जो कि आपको पता चल रहा होगा, तो मैनेज कीजिए। आवाज़ मेरी से निकल नहीं रही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ देखिए, ये वड़े जब फ्राई होके निकलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, पानी से निकालने के बाद इस तरह के दिखते हैं। तो वो मैं आपको सारा दिखा रही थी, और ये तो बैटर ही है। तो सारा मैंने फ्राई कर लिया है, और एक डब्बे में मैंने ऐसे रख दिया था। और जब सारा बन गया, उसके बाद मैं दही को फेंट के थोड़ा सा पानी मिला के, और इसको पूरा अच्छे से पूरे ऊपर तक मैंने भर दिया था। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी, क्योंकि कढ़ी भी बनती है होलिका दहन के दिन। तो कुछ कढ़ी बन, मतलब कढ़ी बड़ी के बिना नहीं बनती है, तो बड़ी मैंने बना ली थी। तो बड़ी बनाने का तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही हल्दी, सॉरी बेसन में हल्दी और जीरा, प्याज, मिर्च, ये सब कुछ जो मसाले होते हैं वो सब डाल के मैंने कढ़ी बना ली थी। और शाम का समय यहाँ पे पकौड़ियाँ बनती है, तो हरा चना का मैंने पकौड़ी बनाया था, जिसमें प्याज, नमक, जीरा पाउडर, मिर्च और ये सब चीज़ डाल के बेसन के साथ उसको फेंट के यहाँ पे मैंने बनाया है पकौड़ी। यहाँ आयु शूट कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत वीडियो हिल रहा है, तो माइंड मत कीजिएगा। और ज़्यादा वैसे तो हम लोग के यहाँ भी बनता था, तो प्याज का पकौड़ी, बहुत हर तरह का पकौड़ी, लेकिन बच्चे यहाँ कोई खाता ही नहीं है हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ। तो हरा चना का सबको पसंद आता है, तो हरा चना का और कद्दू का पकौड़ी मैंने बनाया था, और मिर्च की। तो ऐसा है। तो होलिका दहन के, हम लोग के तरफ तो होलिका जहाँ जलती है वहाँ पे डाला जाता है, जो कि जो जो चीज़ आज के दिन बनता है वो चीज़ पहले निकाल दिया जाता है, वो होलिका जहाँ पे जलती है वहाँ पे डाल दिया जाता है। बट यहाँ पे कहाँ पे होता है मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैंने जितने चीज़ बनाई आज सुबह से शाम तक में, तो थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल दिया था, और फिर कहीं डालने का कुछ था नहीं। ये देखिए पकौड़ी बन रही है, तो मैंने सुबह में छत पे जाके रख दिया था, जैसे कि मतलब चील, मतलब पक्षी खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बना के रख दिया है, तो कस्टर्ड में कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। ये पकौड़ा बन के तैयार है। कस्टर्ड तो बस वही दूध को बॉयल करके मतलब थोड़ा ठंडा दूध लिया है, उसमें 2-3 चम्मच कस्टर्ड को अच्छे से फेंट लिया है, और उसके बाद गर्म दूध में ही उसको हिलाते हिलाते, और शक्कर डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना मीठा चाहिए, और उसको बस फेंटते जाना है ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और ये मैंने होली के एक दिन पहले ही बना दिया था, ताकि अगले दिन मैं इसको अच्छे से 1-2 बार ब्लेंड कर दूँ, तो ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। और आप
सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से होली खेलिए और खूब सारा जो डिशेज आपने बनाए हैं वो खाइए, और क्या क्या बनाया है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कल का व्लॉग जो होलिका दहन का था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मैंने क्या क्या बनाया है वो आपके साथ शेयर किया है, और आज क्या क्या बनेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है क्योंकि हस्बैंड जी मतलब जा चुके हैं ड्यूटी, इन लोग का क्या पर्व क्या त्यौहार, तो वैसे ये आ जाएंगे दोपहर तक। तो खाने में आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि कल से मेरी तबीयत ख़राब है, गला बैठा है, आपको पता चल रहा होगा। तो बिना होली खेले मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो आज बनेगा, देखते हैं पुआ। अगर बनाएंगे पुआ तो बनाएंगे ही, थोड़ा सा ही बनाएंगे क्योंकि कोई खाता है नहीं, लेकिन फिर भी एक रस्म है तो उसको करना पड़ता है। तो पुआ बनाएंगे और हाँ, पनीर का पैकेट ला के इन्होंने रख दिया है क्योंकि जानते थे कि ड्यूटी चले जाएंगे, लेकिन इनको लगा था कि अगर दूर चले जाएंगे मतलब अगले दिन आने का होगा, तो कम से कम पनीर ला के इन्होंने रख दिया था कि घर में बच्चे हैं खा लेना कुछ बना के। वैसे ये रहते तो आज कुछ बनता नॉनवेज वगैरह तो, लेकिन ऐसा है कि वो तो ड्यूटी चले गए हैं, तो पनीर की सब्ज़ी बनेगी और पुआ बनेगा और कचौड़ी बनाऊंगी मैं, और बाकी सारा कुछ तो बना ही हुआ है। दही बड़ा बनाया था मैंने, तो दही बड़ा बना हुआ है, कस्टर्ड रात में मैंने बना दिया है एक बार, उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करके वापस से उसको फ्रीज करेंगे तो अच्छे से मतलब उसका टेस्ट भी आएगा और वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, तो ऐसा है। और अभी चलते हैं काम शुरू करने, टाइम हो गया है 8:30, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 8:30 हो गया है। उठ तो गई थी मैं मतलब 5 बजे ही क्योंकि हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, तो बच्चे अभी गए हैं नीचे, उनको तेल वेल लगा के फेस पे भेज दिया है। अब मैं घर की क्लीनिंग पहले करूँगी, उसके बाद फिर खाने में लगेंगे, क्योंकि फिर पहले क्लीनिंग नहीं होगी ना तो फिर घर भी पूरा हौच पौच लगता है। तो बेड वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, मतलब वैसे ही चादर वादर क्लीन मुझे बोला नहीं जा रहा, आज इतना गला भारी हो गया है, 2 दिन से लग रहा था कि गला बैठेगा और आज होली के दिन ही बैठ गया है। तो चलिए फिर, अब भी कुछ कपड़े हैं उसको भी मैं मशीन में डाल दूँगी, यहाँ पे रखे हुए हैं ये, तो उसको मैं मशीन में डाल देती हूँ, तब तक ये धुलेंगे, तब तक मैं क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद आगे का जो काम होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पे जो कस्टर्ड मैंने कल बनाया था उसमें थोड़े से ऊपर में जैसे छाली वगैरह हो जाता है ना वो पड़ गया था, तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर से इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें एक भी लम्स ना हो, क्योंकि कस्टर्ड जितना स्मूथ होता है उतना ही अच्छा लगता है। और कस्टर्ड बन के तैयार है हमारा, एक दो बार मैंने ब्लेंड कर दिया था, उसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद आपके पास जितने भी फ्रूट्स हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। और यहाँ देखिए होली चल रही है बच्चों की, जो कि 9 बजे से स्टार्ट हुई थी और 11 बजे तक ये लोग खेल रहे थे, बाद में जब सर्दी लगने लगी थी तब ये सब आए थे, क्योंकि बच्चे हैं हमने। गाइस सारा काम हो गया है, खाना वाना, मेरा गला का बैंड बज चुका है, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से भी बोल रही हूँ तो आवाज़ पूरा बैठ रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा।
और टाइम हो रहा है 11 बजे तक मेरा सारा काम हो गया, पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है। सॉरी, यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार है, तो पनीर की सब्ज़ी बन गई है। और पूरी मैंने, पूरी नहीं मतलब कचौड़ी है, वो मैंने तल दिया है और अब बच्चों को खिलाएंगे। और पुआ भी मैंने बना लिया था, आपको दिखाया नहीं तो कर दे रही हूँ। और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी स्टिल बच्चे हैं घर में तो थोड़ा बहुत कुछ पर्व त्यौहार में बनाना ही पड़ता है। और अगर अकेली रहती मैं तो पक्का नहीं बनाती कुछ भी, क्योंकि हस्बैंड जी भी ड्यूटी में है और अकेले मैं रहती तो कुछ नहीं बनाती, लेकिन बच्चे हैं उनका मतलब पर्व है तो बनाना ही है। और जो जो वीडियो देख रहे होंगे बठिंडा से, तो सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। बहुत मिस कर रही हूँ, पिछले साल पिछले साल होली पे बहुत मज़ा आया था, और पिछले साल ही इतने दिन में पहली बार इतना मज़ा आया था, शायद आना था हम लोग को इसलिए भी। तो दीदी को, भाभी को, जुगनू को, सबको, भाभी बगल में भी थी, उन लोग सबको बहुत मिस कर रही हूँ। तो सबको जो जो वीडियो देख रहे होंगे सबको हैप्पी होली। और आप लोग को मेरी याद आ रही है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी आ रही होगी तो झूठ मूठ का भी मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन मुझे आ रही है। और बच्चों को भी बहुत याद आ रही थी आज सबकी, तो ऐसा है। और गला से आवाज़ निकल नहीं रहा है इसलिए ज़्यादा कुछ मैं व्लॉगिंग मतलब थोड़ा गला ठीक हो जाए उसके बाद मैं वॉइस ओवर दे दूँगी, अदरवाइज़ वीडियो मेरे से बनाया नहीं जा रहा, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़ुकाम है, खांसी है, और रात में फीवर था तो मैंने पैरासीटामोल खा लिया था, तो पैरासीटामोल खाने की वजह से ही इतना काम हो गया है, अदरवाइज नहीं हो पाता, क्योंकि अकेले सारा कुछ करना है, तबीयत ख़राब में वैसे तो कर ही लेती हूँ, अकेले भी रहूँगी तो कर लेती हूँ सारा काम, लेकिन अकेले रह के तबीयत ख़राब में बहुत मतलब अजीब सा लगता है। और गला आप देख ही रहे हो मेरा आवाज़ कैसा हुआ हो रहा है, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा आवाज़। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और शाम का व्लॉग आपको मतलब शाम में जो जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसके लिए बने रहिएगा वीडियो में। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो गर्मी मुझे लगती भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, तो स्वेटिंग वगैरह शुरू हो गई है मुझे। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, तब तक बने रहिएगा वीडियो में। तो ये है शाम का वीडियो, आयु और वसु दोनों तैयार हो चुके हैं। ये दोनों ड्रेस आयु वसु को नानू ने दिया था जब ये पटना गए थे, तो होली में इन्होंने शाम को ये ड्रेस वेयर किया है। पतिदेव भी आ गए थे 5:30 बजे के लगभग, तो हमने थोड़ा बहुत गुलाल खेल लिया था, मतलब खेल क्या लिया था, थोड़ा बहुत ऐसे ही लगा दिया था। और ये वसु है, वसु को फ्रॉक वगैरह बहुत पसंद है पहनना, क्योंकि ये जब घूमती है तो घेरा बनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और आयु भी पूरा मतलब बनठन के तैयार है शर्ट और पैंट में, तो ऐसा है, ऐसी रही हमारी होली। तबीयत का पूरा बैंड बजा हुआ है, तो बस ऐसे ही कुर्ती चेंज कर लूँगी और तो कुछ नहीं, हस्बैंड जी बस आने वाले होंगे। शाम का बज गया है 5:30, और स्टिल का गले का भी जो हाल है वो क्या ही बताऊँ, दर्द से, तो ऐसा है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे पापा आ गए थे आयु के, तो गुलाल लगाया इन्होंने, आयु पैर छू रहा है। तो ऐसी थी हमारी होली, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की ज़रूर बताइएगा। और यहाँ इसके पापा डांस करके दिखा रहे हैं सबको होली में। तो जब ये मतलब बहुत जल्दी ये वीडियो में आते नहीं हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे वीडियो, और जो भी मेरे इंस्टा आईडी पे जो मेरे से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ इंस्टा पे ज़रूर जाके देखिएगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए थे, पतिदेव पहली बार इतना रील्स बनाए मेरे साथ, तो ऐसा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे अपनी आईडी, ऐसे बता देती हूँ, आयु वसु मम्मा आईडी है मेरी इंस्टा की। और यहाँ मैं भी इनकी पैर छू रही थी, और मैंने साड़ी वेयर की है, तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, लेकिन फिर भी पर्व का दिन था तो मैंने सोचा पहन लेते हैं साड़ी। तो आप लोग ज़रूर इंस्टा पे जाके देखिएगा कि मैं कैसी लग रही थी और कितना वीडियो बनाया था हमने। बस बच्चों के साथ थोड़ी बहुत गुलाल वगैरह खेल लिया था हमने, खाना वाना जो बना था वो खा लिया था, रील्स बना लिया था, फ़ोटो ले लिए थे, बस यही था।
फैमिली के साथ रहते तो अच्छा लगता, तो क्यों नहीं गए घर।